बहुरानी अनामिका सोफे पर बैठी हुई थी। प्रसाद और उनके दोस्त चक्रवर्ती दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। सास और बहू शारदा और अनामिका घर के अंदर एक गैस स्टोव में खाना पकाने लगती है और दूसरी वहीं पे खड़ी होकर सब्जियां काटने लगती है। बहू, तुम्हारे पिताजी जिनसे बात कर रहे हैं तुम उनको जानती हो? कौन सासू माँ? उनका नाम है चक्रवर्ती, तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त। वो दूसरे देश जाके व्यापार शुरू किए, किस्मत चमक गई, बहुत पैसे कमाते हैं। पर वो तो नहीं दिखा माँ जी, पिताजी के तरह ही वो बड़े ही मामूली से इंसान दिखे। तुम्हें बहने बताया ना, वो दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों ही बड़े सरल है, इसीलिए वो वैसे ही दिख रहे हैं। हम तो गरीब है माँ जी, हम साधारण जैसा दिख सकते हैं। पर आपने कहा ना, पिताजी के दोस्त बहुत पैसे कमाते हैं, फिर भी इतने साधारण दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। इधर इस तरह की बातें हो ही रही थी, उधर चक्रवर्ती और प्रसाद जब बात कर रहे थे तो प्रसाद कहने लगते हैं, अरे बहू, हमारे लिए चाय ले आना। ठीक है पिताजी, 10 मिनट में लेके आती हूँ। अनामिका चाय बनाने लगती है और उधर प्रसाद और चक्रवर्ती बातचीत करने लगते हैं। बताओ चक्री, 10 साल हो गए हैं, तुम अभी भी याद रखे हो और वहाँ से यहाँ मिलने आए हो, ये तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा वजह है। वही तो, मैं वही सोच रहा था, तुम अपने व्यस्त जिंदगी छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आए हो, अब पता चला, बताओ आने की वजह क्या है। प्रसाद इस तरह से पूछते हैं, तभी वहाँ पे अनामिका दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर जाती है। फिर उन दोनों को चाय देकर अनामिका वहाँ से वापस आ जाती है। अरे बताओ, इतनी दूर से यहाँ आने के पीछे असली वजह क्या है? एक मिनट रुको बेटा, अनामिका जरा इधर आना। बुलाने पे अनामिका उनके पास जाती है। बाहर गाड़ी में एक लगेज बैग है, बेटा जरा उसे ले आना। अभी लाके देती हूँ विदेशी अंकल। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। वो कार के पास जाके दरवाजा खोलती है, फिर वहाँ पे एक लगेज बैग दिखता है। वो लगेज बैग उठा के अनामिका सीधा चक्रवर्ती के पास ले आती है। इस बैग में क्या है विदेशी अंकल, ये तो बहुत भारी है। इस तरह कहते हुए वो बैग उनके सामने जाके रख देती है। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी देखने मिलेगा। चक्रवर्ती बाबू बैग खोलते हैं, उसके अंदर ढेर सारे पैसों के बंडल थे। अनामिका बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। प्रसाद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। शारदा पैसों का बंडल देखकर वहीं पे बेहोश होके नीचे गिर जाती है। बाप रे बाप, इतने पैसे लेकर तुम हमारे घर क्यों आए? ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई की है, अगर ये ना रहे तो मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या हो जाएगी, इसीलिए मैं इन पैसों को तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद शारदा और अनामिका थोड़ी साधारण होती है, पैसे देखकर उनके मन में लालच जगती है। पर प्रसाद बहुत घबरा जाते हैं और घबराते हुए वो चक्रवर्ती से कहने लगते हैं, डरो नहीं प्रसाद, इन पैसों की वजह से तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी, भरोसा रखो और इन पैसों के बैग को अपने साथ संभाल के रखो। कैसे तुम रखोगे, कहाँ तुम छुपा के रखोगे, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जब मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं तब आऊंगा और इन पैसों को ले जाऊंगा। तुम्हें पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें ना नहीं बोलूंगा, इसीलिए तुम इन पैसों को लेकर मेरे पास आए हो। फिर मैं तुम्हें ना कैसे कहूँ तुम ही बताओ, जब इतना भरोसे के साथ तुम कह रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। प्रसाद की बातें सुन के चक्रवर्ती बहुत खुश होते हैं और बाहर रखी अपनी गाड़ी के पास आते हैं। प्रसाद भी उनके साथ साथ गाड़ी के पास जाते हैं। चक्रवर्ती वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। प्रसाद अपने घर के अंदर लौट आते हैं। सास बहू बड़े ही लालच के साथ उन पैसों के बैग के तरफ देख रही होती है। हाँ, बहुत देखना हो गया, तुम दोनों अंदर जाओगी तभी मैं इस बैग को कहीं पे छुपा के रखूंगा। इस तरह से छुपा के रख के आपको क्या मिलेगा? हा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुल के बताना शारदा। पिताजी, अगर हम पैसों को इस तरह से छुपा कर रखेंगे तो उनमें कीड़े लग सकते हैं, पर अगर हम
अपने पालक के व्यापार में लगाएंगे तो जब पालक उगेगा और हमें मुनाफा होगा, उन पैसों को हम वापस इस बैग में रख के हमारे विदेशी चाचा को दे देंगे, है ना माँ जी? सही कहा बहू। अच्छा सास बहू, तो इस बात को तुम लोगों ने मुझसे छुपा के क्यों रखा? हाँ पिताजी, मैं तो आपसे इस बारे में बात करने वाली थी, लेकिन उससे पहले माँ जब सब्जी बाजार गई थी, वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला श्यामला नाम की थी, उन्होंने माँ से कहा। ये बात सुन के प्रसाद मजाक में कहते हैं, क्या कहा बहू? कि विदेशी चाचा आएंगे और वो पैसे देकर जाएंगे, तुम लोग पालक का व्यापार शुरू करो, उससे बहुत मुनाफा होगा और तुम लोग बहुत पैसे कमाओगी। नहीं नहीं पिताजी, उन्होंने कहा कि आजकल पालक का बहुत डिमांड है और तुम्हारे पास खेत भी है, तो उसी खेत में पालक उगाओ। फिर मुझे भी लगा उन्होंने सही कहा है। अगर ऐसी बात है तो क्या हुआ? इन पैसों से हम कुछ पैसे लेकर इस्तेमाल करेंगे, उससे पालक का व्यापार करेंगे और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा हम फिर से बैग में वापस रख देंगे। इस तरह कहने पर प्रसाद भी सोचने लगते हैं। देखते हैं सास बहू दोनों ही आंखें बड़ी बड़ी करके प्रसाद को देख रहे हैं। काफी सोच विचार करने के बाद प्रसाद इस बात पर तैयार हो जाते हैं। सास बहू बहुत खुश हो जाती है, फिर कुछ पैसे लेकर अपने खेत में पालक लगाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सास बहू अपनी जमीन पर पालक की खेती करती है। फिर पालक बड़े हो गए, उसे बेचने का समय आ गया। सास बहू पालक काट के छोटे छोटे बंडल बनाती है और उन्हें घर ले आती है। ये देखकर प्रसाद, आखिर में सास बहू ने जो सोचा था वो करके दिखाया है। बड़े मुश्किलों से उन्होंने पालक उगाया है, अब वो उनका बंडल बना रही है। कल जाके उन्हें तुम बेच कर आओगी, फिर जो पैसे आएंगे उस मुनाफे के पैसे से लिया हुआ पैसे मैं अपने दोस्त के बैग में जाकर रख दूंगा। ठीक है पिताजी। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। सास बहू ट्रक बुला ले आती है, फिर उसमें पालक रख के बाजार ले जाती है। इधर घर में प्रसाद उन दोनों का घर लौट आने का इंतजार करने लगते हैं। एक घंटा निकल जाता है, फिर दो घंटा, फिर तीन घंटा निकल जाता है। अब शाम हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तब तक सास बहू अपना मुंह लटका के पालक का ट्रैक्टर लेकर घर लौट आती है। प्रसाद उन दोनों का चेहरा देखकर ही पूरा मामला समझ जाते हैं। अचानक से उनके छाती में दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर सास बहू जल्दी जल्दी प्रसाद को अस्पताल लेकर जाती हैं। डॉक्टर साहब प्रसाद की जांच करते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनका ध्यान रखिएगा, समय समय पे दवाइयाँ दीजिएगा। वो दवाइयाँ लिख देते हैं। फिर प्रसाद को घर ले आया जाता है और बिस्तर पे सुला दिया जाता है। पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, विदेशी चाचा के सामने आपको मैं झुकने नहीं दूंगी, आप बस मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए पिताजी। इस तरह प्रसाद को समझा के वो अपने कमरे में चली जाती है। रमेश वहाँ पे सो रहा था। अनामिका बस सोचने लग जाती है, तभी अचानक से उसके दिमाग में पालक पराठा बनाने का ख्याल आता है। अगले दिन जब प्रसाद को बाहर चेयर पे बैठाया गया, वो प्रसाद के पास आती है। पिताजी मैंने सोचा है कि जो पालक बचे हुए हैं उन्हें मैं पालक पराठा बना के बेचूंगी। आज मैं जाके सेंटर देख लूंगी, फिर मैं पालक पराठा बेचने का व्यापार करूंगी। मुझे पता है इससे अच्छा मुनाफा होगा, आप बस थोड़ी देर हिम्मत रखिए। ये कहकर अनामिका पालक पराठा बनाने का सब इंतजाम कर लेती है। फिर ठेले में सारा सामान लेकर वो शहर चले जाती है और एक सेंटर पॉइंट देखकर अपना व्यापार शुरू करती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका का पालक पराठा अब धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा, लोग ज्यादा ज्यादा आने लगे। फिर मुनाफा का जो पैसा था वो लेकर अनामिका प्रसाद के पास आती है। ये पैसे लीजिए और इसे एक बार ठीक से गिन लीजिए, फिर इन पैसों को ले जाके विदेशी चाचा के बैग में आराम से रख दीजिए, तब जाके आपको थोड़ी राहत मिलेगी। प्रसाद पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं और अनामिका से कहते हैं, माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, अच्छे भले इंसान थे, मेरी वजह से आपको ऐसी बीमारी हो गई अचानक से, ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको डाल दिया कि आपको हार्ट अटैक आ गया। बस किस्मत अच्छी थी हमारी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली
और जैसे तैसे आपकी जान की रक्षा कर दी। जब जब मैं ये बात सोच रही हूँ मुझे तो घबराहट हो रही है। ये कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा पैसों का बैग प्रसाद को दे देती है। फिर सभी लोग उस रात बड़े ही शांति से सोते हैं। उस दिन के बाद से शारदा और अनामिका पालक पराठा बेचकर अपना जीवन गुजारा करने लगी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ट्रक पे नारियल व्यापारी परमेश अपने मजदूर रंगा के साथ बैठा हुआ था और वो खेत के तरफ जा रहा था। खेत के तरफ जाते हुए उन्हें एक जगह दिखता है जहाँ नारियल के ढेर बने हुए थे। ये देखकर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। फिर परमेश नीचे उतर के चारों तरफ देखने लगते हैं। खेत में हरीश और भाव्या को भागते हुए वो देखते हैं और पीछे पीछे अनामिका भी भाग रही होती है। माँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकती। मैं पकड़ लूंगी बेटा। आप भैया को पहले ही पकड़ लो माँ, पर आप मुझे नहीं पकड़ सकती। मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगी भव्या। इतना कहकर वो उन दोनों के पीछे पीछे भाग रही थी। तभी अनामिका परमेश को देखती है। देखते ही वो परमेश के पास जाती है। आप कौन है? आपको क्या चाहिए? बहन, मेरा नाम परमेश है। मैं यहाँ नारियल के लिए आया हूँ। इस तरह कहने के बाद उस नारियल के खेत के बीचों बीच एक सुंदर सा घर दिखता है। उस घर के पास सासू माँ शारदा खड़ी थी जो नारियल पानी पी रही थी और खेतों को निहार रही थी। तभी देखती है अनामिका जहाँ नारियल का ढेर रखा हुआ था वहाँ खड़ी है और वहीं खड़ी खड़ी परमेश से बात कर रही है। परमेश आया है इसका मतलब नारियल के लिए आया है, लेकिन आज से पहले तो वो बिना बताए कभी आया नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि बिना फोन किए ही वो आज यहाँ आ गया? लेकिन वो तो बहू से बात कर रहा है, पर क्या बात कर रहा होगा? तो क्या बहू ज्यादा महंगा बेचकर कमीशन ले रही है और वो पैसे बेटे के माध्यम से भेज रही है? इस तरह सोच रही थी और नारियल पानी पी रही थी नारियल के ढेरों के पास खड़ी होकर। देखिए, मुझे नारियल के व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ सासू माँ देखती है। मैं जाके उन्हें बुला के ले आती हूँ, आप यहीं रुकिए। देखो बहन, मैं ये नारियल का व्यापार आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैं आपकी सासू माँ को पहचानता हूँ, उन्हें फोन करके आया हूँ। उन्होंने कहा पैसे बहू को दे देने। कौन? मेरी सासू माँ? हाँ बहन, आपकी सासू माँ। भरोसा तो नहीं हो रहा है। विश्वास करो अपनी सासू माँ पे, नहीं तो और कौन करेगा भला। नारियल बेचने वाले परमेश भाई, 10 साल हो गए मेरे शादी के। मेरे दो दो बच्चे हैं, हरीश और भव्या, वो दोनों स्कूल भी जाते हैं। अभी तक मेरी सासू माँ ने मुझे बहू के रूप में स्वीकारा ही नहीं। कभी मुझे बहू कहकर भी नहीं बुलाया, फिर मुझे पैसे देने के लिए कैसे कह सकती है? अरे उन्होंने कहा है बहन, नहीं तो मैं क्यों कहता। वो बुजुर्ग है, उन्होंने कहा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर उन्होंने फोन करके पूछा तो मैं तो कह दूंगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाकी आप समझिए। इस तरह से कहने पर अनामिका सोच में पड़ जाती है और मनी मन सोचने लगती है। जब परमेश भाई कह रहे हैं तो मुझे तो विश्वास करना ही होगा। हो सकता है कि मेरी सासू माँ मेरे सामने मुझे स्वीकार नहीं की हो, पर बाहर वालों के सामने कहती होगी कि मेरी बहू है, उसे जाके दे देना। चाहे वो कहे या ना कहे, पर मैं उनकी बहू नहीं हूँ क्या? कुछ भी हो जाए, हूँ तो मैं उन्हीं की बहू। सोच ही रही थी कि बीच में परमेश कहने लगते हैं, क्या बहन, ये लो पैसे ले लो। इतना कहकर परमेश अनामिका को पैसे दे देता है। अनामिका पैसे गिनने लगती है। परमेश अपने नौकर रंगा को कहता है कि नारियल ट्रक में रखने के लिए। इतने कम में मेरी सासू माँ आपको नारियल दे रही है? हाँ हाँ, इससे भी कम भाव में देती है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से व्यापार कर रहा हूँ, तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा भला। इतना कहकर सारे नारियल ट्रक में चढ़ाकर वहाँ से वो चला जाता है। अनामिका पैसे लेकर घर के अंदर जाने लगती है। शारदा खड़ी खड़ी सब देख रही थी। मैं ऐसा भाव दिखाऊंगी कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, देखती हूँ बहू क्या करती है। इतना कहकर वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका पैसे लेकर अपनी सासू माँ शारदा के पास आती है। माँ जी, वो परमेश नाम का कोई व्यापारी आया था, वो पैसे दिया और नारियल ट्रक में लेके यहाँ से चला गया।
इतना कहकर अनामिका शारदा को पैसे देती है। शारदा पैसे गिनती है, देखती है कि पैसे कम है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से से अनामिका को कहने लगती है, ए अनामिका, सच बताओ, परमेश्वर ने इतना ही पैसा दिया या फिर तुमने आधा रख लिया और बचा हुआ पैसा मुझे दे रही हो? नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ, जितना परमेश्वर ने दिया मैं आपको उतना ही दे रही हूँ। चोरी करने का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर शारदा परमेश को फोन लगाती है और फोन को स्पीकर में रख देती है। नमस्ते मालकिन, मैं पैसा अनामिका दीदी को दे आया हूँ, उन्होंने दिया ना? नमस्ते परमेश, अनामिका जो मुझे पैसे दे रही है वो तो आधा पैसा है, तुमने उसे आधा पैसा दिया या फिर पूरा पैसा दिया? मालकिन आप मेरे बारे में तो जानती हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि नहीं है, और है तो कहूंगा कि है। मैं सारा पैसा अनामिका दीदी को दे आया हूँ। ठीक है परमेश, तुम अपना काम करो। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है और गुस्से से अनामिका को देखने लगती है। अनामिका डरते डरते, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए माँ जी, परमेश ने मुझे जितने पैसे दिए मैं सब लाके आपको देती हूँ। परमेश बहुत दिनों से मेरे साथ काम कर रहा है, वो ईमानदार है, वो झूठ नहीं बोलेगा। तुमने ही आधे पैसे लिए हैं और अब तुम नहीं दे रही हो, बताओ तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, क्या आपको मेरे पे भरोसा नहीं? नहीं अनामिका, चूँकि तुम गोविंद की बेटी हो, वो माली के रूप में मेरे यहाँ ईमानदारी से काम किया करता था, इसलिए बस तुम्हें डांट रही हूँ, मार नहीं रही हूँ। छुपाए हुए पैसों को जल्दी से ले आओ। माँ जी वो, इससे पहले कि अनामिका कुछ कहती, शारदा उसे धकेल देती है और एक छड़ी से उसे पीटने लगती है। हरीश भव्या माँ को मार खाते देख रोने लगते हैं। पीटते पीटते शारदा अब थक जाती है। अनामिका दर्द के मारे आंसू बहाने लगती है। तब तक शाम हो जाती है। बाहर से काम करके प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। देखते हैं अनामिका घर के बाहर बैठी हुई है, उसके पूरे शरीर में चोट लगी है और वो रो रही है। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? दादाजी, दादी ने माँ को बहुत पीटा है। दादी ने माँ को पीटा है, क्या हो गया, क्यों अनामिका? इस तरह पूछने पर अनामिका रोते रोते पूरी बात खुल के बताती है। शारदा, शारदा बाहर आना जरा। इस तरह बुलाने पे शारदा घर के अंदर से बाहर निकल आती है। ये क्या शारदा, 10 सालों से हम बहू को जानते हैं, हमें पता है बहू कैसी है, तुम्हें नहीं पता क्या? अनामिका आपकी बहू हो सकती है पर मेरी नहीं, पिछले 10 सालों से आज्ञाकारी बन के रही है पर अब उसकी चोरी की आदत पकड़ी गई है, वो मेरे घर में नहीं रह सकती। तो आप क्या कहना चाहती हो माँ, वो अब कहाँ जाएगी, कहाँ जाके रहेगी? तुम्हारी पत्नी बनने से पहले कहीं वो रहती थी ना, वही जाके रह लेगी और क्या। मेरी पत्नी अगर यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा माँ। अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी साथ ले जाना। सही नहीं कह रहे हो शारदा, वो घर टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है, वहाँ रहना सही नहीं होगा। अब मेरे साथ घर के अंदर आएंगे या बेटे बहू के साथ जाना चाहेंगे? मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा शारदा, पहले तो मैं तुम्हारा पति हूँ, उसके बाद बेटे का बाप और बहू का ससुर। इस तरह कहने के बाद शारदा और प्रसाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अनामिका और रमेश बच्चों को साथ लेकर अपने पुराने घर में रहने के लिए चले जाते हैं। पिताजी अब हम कहाँ रहेंगे? बताइए ना पिताजी, हम इस घर में रहेंगे। अजी घर के बाहर कुछ नारियल के पत्ते पड़े हैं, उन पत्तों से हम घर को पहले ठीक कर लेते हैं। ये सुनकर बच्चे और रमेश सभी बहुत खुश होते हैं। फिर बड़े ही कष्ट के साथ बच्चे भी रमेश और अनामिका की मदद करते हैं। नारियल के पत्तों से वो घर को ठीक कर लेते हैं और उसी घर में अनामिका बच्चों के साथ रहना शुरू करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन प्रसाद शहर गए हुए थे, तेज बारिश के कारण वहाँ जाकर वो फंस जाते हैं। तेज बिजली और गर्जन की वजह से शारदा घर में अकेले रह नहीं पाती, वो बहुत डर जाती है और डर के मारे बहू के नारियल पत्तों वाले घर में वो चली जाती है। वहाँ जाके वो बच्चों के साथ बिस्तर पे सो जाती है। अगले दिन प्रसाद परमेश को अपने साथ लेकर शारदा के पास आते हैं। कहो चुप क्यों हो, सच सच बताओ कि उसमें मेरी बहू की कोई गलती थी? नहीं मालिक, मैंने ही ठगा था, मैंने ही कम पैसे दिए थे।
परमेश की ऐसी बातें सुनके शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो परमेश के गाल में आके कस के एक थप्पड़ लगाती है। चलो बहू, हमारे बड़े घर में लौट चलो। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। आपने बहू कहा यही मेरे लिए बहुत है माँ जी, मैं इसी नारियल पत्ते के घर में रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। उसकी बातें सुन के समझ में आ जाता है शारदा को कि बहू को दिल पे बहुत ज्यादा चोट लगी है। आगे उसने जबरदस्ती की नहीं। तब से बहुरानी अनामिका अपने पति बच्चों के साथ उसी नारियल पत्ते के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। लेकिन इस घटना के बाद से ही सासू माँ शारदा के मन में अपनी बहू अनामिका के लिए बहुत सम्मान जागा। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।